तो और क्या हाल है भाई लोग। अब भाई जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा रहेगा तो बिल्कुल सही देखा है। यहाँ पे मैं 100% प्रूफ करने वाला हूँ कि स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स का जो ओनर है जिसका नाम है ज़ियान शफीक, वो एक कार्डर है। और वैसे तो ऑलरेडी इनके ऊपर दो तरीके के एक्सपोज वीडियोस बन चुकी हैं, जिसमें पहले वाले में इनके ट्वीट्स वायरल हुए थे जो कि एंटी नेशनल थे, जिसके बारे में इन लोगों ने सफाई दी कि भाई ये सारे ट्वीट्स मॉर्फ थे, यानी कि फेक थे। और जब दूसरी बार रिसेंटली जब इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो रीजन देखा गया, तो वो रीजन जब पाकिस्तान शो हो रहा था तो इन लोगों ने बोला कि हैकर ने इनका अकाउंट हैक कर लिया था और इसके वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज जो वीडियो में मैं प्रूफ देने वाला हूँ, उसके बाद इनको कहीं पे भी मुंह छुपाने के लायक जगह नहीं मिलने वाली है और ना ही इनकी सफाई में गॉडेल भी कुछ कह पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप स्क्रीन शॉट कुछ भी लेके इंस्टाग्राम की स्टोरीज में डालो, मुझको टैग करो, गॉडलाइक वालों को टैग करो और STE वालों को टैग करो। और अगर आपका YouTube चैनल है तो पूरा का पूरा वीडियो उठा के आप अपने चैनल पे डाल सकते हो, मेरी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। या तो आप कोई क्लिप डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, उसके लिए भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एक फेसबुक का टैब भी खोल लो साइड में, क्योंकि जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ वो मैं चाहता हूँ कि साथ साथ आप भी देखते चलो, आप भी रिकॉर्ड करते चलो, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे सबूत को डिलीट कर दिया जाए और ये भी बोला जाए कि भाई ये मॉर्फ्ड है या फेक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग मैंने कल रात को ही करी थी और ये एक ग्रुप आप देख सकते हो, बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग। और भाई अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो ये ग्रुप आपको नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा, तो वो लिंक पे जाके आप इसको ज्वाइन कर लेना। और ये एक नॉर्मल सा ग्रुप आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये ग्रुप के सर्च बार में जाके आपको सर्च करना है ज़ियान शफीक, और उसके बाद ज़ियान शफीक के जितने भी पोस्ट होंगे इस ग्रुप में वो खुल जाएंगे। आप चाहो तो वो ज़ियान शफीक को चेक कर सकते हो कि वो वेरीफाइड है कि नहीं, उसकी डिटेल्स वगैरह सारी आप खुद से चेक कर लेना। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस बंदे ने क्या क्या पोस्ट करके रखे हैं। और यहां पे आप पहला पोस्ट देख सकते हो जिसका ट्रांसलेशन ये है कि दोस्तों एक इन्वेस्टर की जरूरत है, कृपया ध्यान दें कि वह इन्वेस्टर वो व्यक्ति है जो मुझे कार्डिंग के लिए पैसे देता है, फिर हम पैसे साझा करते हैं, चिंता मत करो आपको लाभ होगा। इसका मतलब आप समझ लो कि इसको कार्डिंग करने के लिए एक इन्वेस्टर की जरूरत थी और उसी इन्वेस्टर को लेकर इसने एक पोस्ट डाला था, जो कि आप हिंदी में बिल्कुल रोक के चाहो पढ़ना तो रोक के पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप अपने फेसबुक पर भी इसको चेक करते रहो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अगले पोस्ट पे, आप देख सकते हो नीड अ स्पैमर फॉर ग्रेट पार्टनरशिप, आई नीड अ ऑसम स्पैमर। आप इसको हिंदी में ऐसे समझ लो कि अच्छी साझेदारी के लिए एक स्पैमर की जरूरत है, क्योंकि भाई स्पैमर भी चाहिए होता है। और यहाँ पे इसको CC चाहिए थे, यानी कि क्रेडिट कार्ड चाहिए थे कार्डिंग करने के लिए। इसके बाद आप ये अगला पोस्ट देख सकते हो जहाँ पे ये आईफोन 6 प्लस 128 GB के बारे में बात कर रहा है, जो कि 25,000 कीमत पर ये ऑफर कर रहा है। आपको पता होगा कि ऐसी कार्डिंग बहुत आपको देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आईफोन की कार्डिंग करी जाती है, तो ये बंदा इसी तरीके की कार्डिंग कर रहा था। और मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि आप खुद से इस चीज़ को चेक करो, रिकॉर्ड करो और अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज में डालो, और जिनका यूट्यूब का चैनल है वो अपने यूट्यूब के चैनल पे भी ये सारी चीज़ें डालो। और इसी पोस्ट में वो आगे की स्टोरी बता रहा है कि 25,000 का कीमत ऑफर करा था और प्रभाकर सिंह के साथ करा था, और 5,000 एडवांस रखने के लिए करा था और 20,000 फेस टू फेस मीट पे देना था, और यहाँ पे 5,000 रुपये उसका कमीशन था। ये पूरी स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहो तो खुद से भी पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके बाद भाई बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप एक एक स्टोरीज आराम से पॉज कर करके पढ़ते चले जाना। और यहाँ पे ये जो 5 जुलाई 2015 का पोस्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पूरे कार्ड की डिटेल है, जो सबसे पहले आपको 5178 से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ये एक कार्ड की डिटेल है। और 11/2015 उस कार्ड की वैलिडिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स की, 420 उसका CVV है, और बाकी सारी चीजें एड्रेस वगैरह है, IP एड्रेस है। तो ये बंदा इस हद तक कार्डिंग कर रहा था। और इसके बाद अगला ये पोस्ट देखो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ भी ये बोल रहा है कि हे गाइज, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी एंड anyone there to help me with $1 BTC, I'm ready to card। मतलब यहाँ पे इसके पास पैसे की बहुत ही ज्यादा कमी थी। अब आप समझो कि 2015 में इस बंदे की स्थिति ऐसी थी इकोनॉमिकल कि इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और थोड़े थोड़े पैसों के लिए ये फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है, कार्डिंग कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, क्राइम कर रहा है। इसके बाद भाई बहुत सारे पोस्ट, मैं सारे पोस्ट तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ जो पोस्ट
इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहीं पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ हिंदी में। यहाँ पे आप दूसरी लाइन देख सकते हो जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मैंने अपनी कार्डिंग पूरी कर ली है, अब किराए पर देने के लिए मुझे निजी संदेश भेजे डील पूर्ण एस्क्रो व्यवस्थापक के माध्यम से। मतलब ये पूरा एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई ये कार्डिंग कर रहा था, कार्डिंग पूरा सीख चुका है। इसके बाद भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जहाँ पे ज़्यादातर मैसेजेस में इसने यही बोला है कि मुझे कार्डिंग करने के लिए इन्वेस्टर की ज़रूरत है, कुछ अर्जेंट है, मुझे पैसे चाहिए। इसके बाद भी भाई कुछ कुछ मैसेजेस और हैं, आप एक एक मैसेज रिकॉर्ड कर लेना। और मैं सच बता रहा हूँ भाई कि इन सब का कोई भी जवाब इन लोगों में से किसी के पास भी नहीं है। और यहाँ पे आप इसका अगला पोस्ट पढ़ो, दोस्तों सुनो मैं कार्डिंग पढ़ा रहा हूँ, दो लेक्चर पहले ही हो चुके हैं, मुफ्त में नहीं मैं तंग आ चुका हूँ, मैं एस्क्रो करूँगा और जब मैं तुम्हें ग्रुप में जोड़ूंगा तो हमारा एस्क्रो मुझे पैसे देगा, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए दो लेक्चर दोहरा सकता हूँ। तो भाई आप समझ रहे हो, कार्डिंग पहले इसने करी, कार्डिंग करने के बाद BTC के इन्वेस्टर ढूंढे BTC में कार्डिंग करने के लिए, उसके बाद अब ये कार्डिंग के लेक्चर्स भी दे रहा है, यानी कि कार्डिंग में इतना ज़्यादा घुस चुका है और पैसे की इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि ना ये सिर्फ कार्डिंग कर रहा है बल्कि ये कार्डिंग सिखा भी रहा है। इसके बाद भी भाई बहुत सारे इसके पोस्ट हैं, अगर एक एक पोस्ट पढ़ने लग जाऊं तो एक दो घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बंदे की सच्चाई क्या है, ये बंदा एक कार्डर है, ये बंदा एक क्रिमिनल है और इस बंदे ने इंडिया की ऑडियंस को लेने के लिए गॉडलाइक के साथ पार्टनरशिप करी है। और गॉडलाइक वालों को अब इस पॉइंट पे, जबकि ये प्रूफ हो चुका है कि ये लोग क्रिमिनल हैं, इन लोगों के साथ जो भी पार्टनरशिप करी है वो तुरंत ही ख़त्म कर देनी चाहिए, या तो भाई फिर सामने आकर इन लोगों को डिफेंड करो कि ये लोग कार्डर नहीं है। बाकी मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक PIL दिया हुआ है जिसमें कार्डर्स और स्कैमर्स के ऊपर एक्शंस होने वाले हैं और उनमें एक नाम और जुड़ जाने वाला है, जो नाम होगा ज़ियान शफीक का। बाकी आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, उतना ज़्यादा अपने चैनल्स पर अपलोड करो, उतनी ज़्यादा स्टोरीज डालो अपने इंस्टाग्राम में और टैग करो गॉडेल वालों को, क्योंकि गॉडेल वाले ही पहले आकर डिफेंड कर रहे थे ST वालों को जब उनके एंटी नेशनल ट्वीट्स वायरल हुए थे। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि ऑडियंस, खास करके जो गॉडेल की ऑडियंस है, वो ये वीडियो गॉडेल वालों तक पहुँचाए और उनसे या तो बोले कि इस चीज़ को डिफेंड करो या तो फिर क्रिमिनल्स के साथ पार्टनरशिप एंड करो। तो भाई लोग बस इतना ही बोलना था मुझे इस वीडियो में, मिलूंगा बहुत ही जल्द आप सबसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it.